नमस्कार। केंद्र सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का एक नया सिस्टम बनाने जा रही है, उसके लिए एक बिल पेश किया गया है पार्लियामेंट में। ये मानसून सत्र के समय बिल पेश हो गया था, उसको संसद के विशेष सत्र में पास कराया जाएगा। अब ये एक लंबी कहानी है जिसकी वजह से एक बिल ले आने और नई कमेटी बनाने की ज़रूरत पड़ गई है, जो कमेटी नियुक्त करेगी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की। लेकिन ये जो बिल आया है, उस बिल के जरिए जो सिस्टम बनाया जा रहा है, उससे चुनाव आयोग की साख पर और बट्टा लगने वाला है। पिछले कुछ वर्षों में जिस एक संस्था ने अपनी साख सबसे ज़्यादा गंवाई है, तो वो चुनाव आयोग है। यह एक संवैधानिक प्राधिकार है और पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन से लेकर के और अभी तक एक लंबा इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है भारत के चुनाव आयोग का। और टीएन शेषन जैसा और जेएम लिंगडोह जैसे चुनाव आयुक्त भी हुए, जिन्होंने किसी भी सरकार के किसी भी तरह के दबाव, किसी भी पार्टी के दबाव को नहीं माना और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करने की जो जिम्मेदारी संविधान के अनुच्छेद 324 से मिली हुई है चुनाव आयोग को, उसको निभाया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग की साख बहुत खराब हुई है और ऐसा कई कारणों से हुआ है। इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार चुनाव आयोग है और कुछ हद तक सरकार भी है। जैसे चुनाव आयोग ने कई चुनावों के इस तरह से शेड्यूल बनाए जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करने वाला हो। चुनाव प्रचार का ऐसा कि इतना समय इतने चरणों में चुनाव कराया जिसका फायदा सिर्फ सत्तारूढ़ दल को होता हो। विपक्ष की किसी भी बात या किसी भी शिकायत पर चुनाव आयोग ने रत्ती भर ध्यान नहीं दिया, प्रधानमंत्री से लेकर के और कई वरिष्ठ मंत्रियों के खिलाफ शिकायतें आई, भड़काऊ भाषण से लेकर के और दूसरे कई तरह के चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले आए, लेकिन कभी चुनाव आयोग ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उल्टे जो तीन चुनाव आयुक्तों में से एक चुनाव आयुक्त ने एक बार प्रधानमंत्री की शिकायत पर कार्रवाई करने की बात कही तो उनको खामोश कर दिया गया, उनकी आपत्ति भी दर्ज नहीं की गई और बाद में उनके परिवार के लोगों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की जांच भी हुई। तो इस तरह से कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठे हैं और अब जो सिस्टम बनने जा रहा है वो सिस्टम उसकी साख को और बट्टा लगाने वाला होगा। और इसकी ज़रूरत इस वजह से आन पड़ी क्योंकि सरकार ने एक नियुक्ति ऐसी की जिसको लेकर के विपक्ष से, मीडिया से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक हलचल मची और ये सवाल उठा कि कैसे ये नियुक्ति हुई है। असल में पिछले साल काफ़ी लंबे समय से चुनाव आयुक्त का एक पद खाली था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और उस सुनवाई के दौरान ही जब ये मामला आने वाला था उसी समय आनन फानन में केंद्र सरकार ने अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बना दिया। और इसके लिए अरुण गोयल आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने जिस दिन अपनी सेवा से वीआरएस लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, आज रिटायरमेंट ली उन्होंने और कल उनको चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बजाबता इस अंदाज में कहा कि ये बिजली की रफ्तार से जो नियुक्ति हुई है उसमें क्या प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। और उसी सुनवाई के दौरान जब ये बात आई थी, उसी सुनवाई के उसी क्रम में इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और कहा कि जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का सिस्टम है उस सिस्टम से अब चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं होंगे, अब एक कमेटी उनको नियुक्त करेगी और उस कमेटी के अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री, उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा में विपक्ष का नेता उसका सदस्य होगा। तो इस तरह की कमेटी पहले भी है, ये कमेटी पहले सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति करने वाली जो कमेटी है उसमें भी यही व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री होंगे और चीफ जस्टिस होंगे या चीफ जस्टिस की ओर से मनोनीत एक वरिष्ठ जज होंगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। और कभी ये सुनने को नहीं मिला कि चीफ जस्टिस ने कभी अड़ंगा लगाया हो। विपक्ष का नेता हर बार अड़ंगा लगाता है लेकिन हर बार वही व्यक्ति सीबीआई का निदेशक नियुक्त होता है जिसको सरकार चाहती है, जिसको प्रधानमंत्री चाहते हैं। और उसका कारण यह है कि पहले जो एक सर्च कमेटी बनती है, जो नामों का सुझाव देती है, वो सरकार ही बनाती है, वही कमेटी नाम के सुझाव देती है, उसी में से कोई नाम चुनना होता है। और कभी सुप्रीम कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस बैठे या कोई वरिष्ठ जज हो, वो अड़ंगा लगा करके उस व्यक्ति को नहीं रोकता है जिसको सरकार चाहती हो। तो वो सिस्टम इसमें भी चल सकता था कि प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस या उनके द्वारा मनोनीत कोई जज और लोकसभा में विपक्ष के नेता कमेटी के सदस्य होते और नियुक्ति होती। इस तरह से एक निष्पक्षता रहती उसमें नियुक्ति में, हालांकि तब भी सब वही होता जो सरकार चाहती, क्योंकि सरकार की बनाई सर्च कमेटी नाम ले आकर के देती और उसमें से किसी एक को चुना जाता। लेकिन वो भी ऐसा लग रहा है कि सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का पूरा मामला पूरी तरह से अपने हाथ में रखना चाहती है, तभी उसने जो कमेटी का प्रोविजन किया है, जो बिल पेश हुआ है, उस बिल में ये प्रावधान है
कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी जिसमें प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री के अलावा उनके द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होगा और लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे, यानी 3 सदस्यों में 2 सदस्य सरकार के होंगे और 1 नेता विपक्ष होगा। तो इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही, इसमें तो सरकार जो चाहेगी, अगर अगर बहुमत की भी बात आती है, वोटिंग की भी बात आती है, तो तीनों में से किसी को वीटो राइट तो मिला नहीं है, तो जिसकी तरफ 2 लोग होंगे उसकी नियुक्ति होगी और वो 2 लोग सरकार के होंगे, इसलिए सरकार अपनी मर्जी से नियुक्त करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेन करने से पहले तक भी सरकार ही नियुक्त करती है, सरकार जिसको मन होता है उसको चुनाव आयुक्त बनाती थी, लेकिन अब जब कमेटी की बात आई तब सरकार ने कोई रिस्क लेना, कोई जोखिम लेना ठीक नहीं समझा। उसने जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का प्रस्ताव दिया था या जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी को एक किनारे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक सरकार कोई कानून नहीं बना देती है, संसद कोई कानून नहीं बना देती है, तब तक ये कमेटी नियुक्ति करेगी। तो उस कमेटी के सामने कोई नियुक्ति का मामला आए उसके पहले ही सरकार बिल ले आई है। सबसे पहली नियुक्ति वो कमेटी करती है अगले साल फरवरी में, जब अनूप चंद पांडे रिटायर होते, लेकिन उसके पहले ही सरकार एक कमेटी, एक कानून का एक विधेयक ले आई है जिसको पास करा करके और नियुक्ति का नया सिस्टम बनाया जाएगा। उसमें जो कमेटी नियुक्त करेगी उस कमेटी में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में नेता विपक्ष सदस्य होंगे। तो एक तो ये है जिससे साफ हो गया कि सरकार जिसको चाहेगी वही बनेगा, सरकार अपनी मर्जी से नियुक्ति करना चाहती है चुनाव आयुक्त की। तो एक तो इससे साख पर सवाल उठेगा, जो पहले से ही साख खराब हुई है उस पर और सवाल उठेंगे। इसमें इस बिल में एक प्रोविजन ये भी है कि सुप्रीम कि चुनाव आयुक्तों का दर्जा घटा करके कैबिनेट सेक्रेटरी के दर्जे के बराबर कर दिया जाएगा वेतन भत्तों के मामले में। अभी तक चुनाव आयुक्तों का जो दर्जा है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का दर्जा है, तो जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है जिसको प्रोटोकॉल बोलते हैं, उस प्रोटोकॉल में 9वें नंबर पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं और 9वें नंबर पर ही 9A करके उसमें चुनाव आयुक्त आते हैं। उसके बाद 10वें नंबर पर राज्य मंत्री होते हैं और 11वें नंबर पर कैबिनेट सचिव होते हैं। तो अब सेवा शर्तों में जो बदलाव होना है, वेतन और भत्तों में जो बदलाव होना है, उससे पैसे रुपए का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उतने भर से चुनाव आयुक्त कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक में आ जाएंगे, यानी भारत सरकार के एक अधिकारी बन जाएंगे। एक संवैधानिक प्राधिकार जो है उसका नेतृत्व करने वाले लोग भारत सरकार के एक अधिकारी के दर्जे के बराबर आ जाएंगे, और इसका बड़ा असर ओवरऑल पूरे चुनाव की प्रक्रिया पर पड़ेगा, पूरे प्रोसेस पर होगा। जो चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है, उस पर इसका असर आएगा। अगर एक सिंपल सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर राज्य मंत्री के दर्जे से भी नीचे दर्जा हो जाए चुनाव आयुक्तों का, तो कैसे किसी राज्य मंत्री, किसी कैबिनेट मंत्री या किसी प्रधानमंत्री को अगर चुनाव आयोग, अगर वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो चुनाव आयोग उनसे सवाल पूछेगा। हालांकि चुनाव आयोग, बाकी सारी चीज़ें चुनाव आयोग की, बाकी शर्तें वैसी, सेवा शर्तें वैसी ही हैं। इस नए बिल में भी यह है कि चुनाव आयुक्त को जो है अगर हटाना होगा तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जाता है उस तरह से इम्पीचमेंट करके ही हटाया जाएगा, लेकिन उसका दर्जा वेतन भत्ते के मामले में कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर आने का अपने आप एक मनोवैज्ञानिक असर होगा, जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी, जो उस पद पर बैठे रहेंगे उनके ऊपर भी। तो ये जो एक पहले से अभी इस देश में ज़रूरत ये थी कि चुनाव आयोग की साख बेहतर की जाए, ताकि जो विपक्ष को एक मौका मिलता है या कई स्वतंत्र एजेंसियों को भी ये कहने का मौका मिलता है कि इस देश में अभी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं या चुनाव प्रक्रिया कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उसको वो कहने का रास्ता बंद हो। पूरी दुनिया भारत के चुनाव आयोग का सम्मान करती है और दर्जनों देश ऐसे हैं जो जिनके लोगों ने यहाँ आकर के ट्रेनिंग लिया है या यहाँ से भारत के चुनाव अधिकारी जाकर के उनके यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। तो उस एजेंसी के ऊपर, उस एजेंसी की साख बिगाड़ने वाला कोई भी कदम उठाना इस देश के लोकतंत्र को खतरे में डालना है, पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़ा हो जाएगा। और तमाम पिछले चुनाव आयुक्त जो रिटायर हो चुके हैं वो चाहते हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से कहा है और वो सामूहिक रूप से भी सरकार से कहने वाले हैं कि चुनाव आयुक्तों का दर्जा कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर न किया जाए, जो दर्जा उनकी सेवा शर्तों और दर्जे में बदलाव न किया जाए वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही रहने दिया जाए। ये भी सुझाव दिया गया था कि जो कमेटी है उसमें एक प्रधानमंत्री के साथ एक कैबिनेट मंत्री को रखने के बजाय राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति को रखा जाए या लोकसभा के स्पीकर को रख लिया जाए, इससे अपने आप उसकी गरिमा बढ़ जाएगी और एक एक उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। ये दोनों बदलाव सरकार चाहे तो कर सकती है,
लेकिन अगर नहीं करती है तो इससे पूरे आयोग की साख खराब होगी, लोकतंत्र के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के ऊपर सवाल उठेंगे और लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया प्रभावित होगी। धन्यवाद।